मैं नीना शर्मा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की अध्यक्ष हूँ और आज इस बच्चा रसोई में आई हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं मिलजुल के, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव लग रहा है और लड़के लड़कियाँ मिलकर मेहनत से काम कर रहे हैं और हर चीज़ को एक अनुशासित ढंग से किया जा रहा है यहाँ पे, तो देखकर अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सेफ्टी का हमको ख्याल रखना है, समय पे बच्चों को खाना मिल पाए, ताकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसमें खाना खराब ना हो, वैसे ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख के ही कर रहे हैं। पर मुख्य जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है कि सरकार जो आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को जो दिया जाता है और मिड डे मील जो दिया जाता है बच्चों को, उसको अगर सुनिश्चित कर देगी तो इस स्तर पे हम जो कर रहे हैं सीमित बच्चों तक नहीं रहेगा, एक ब्रॉड लेवल पे बच्चों के पास खाना पहुंच सकेगा। पीडीएस सिस्टम को भी मजबूत किया जाए इसी तरह से, और अलग अलग जगह पे जो क्वांटिटी दी जा रही है उस क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम इस लॉकडाउन से बाहर आ सकें सब। और ये जो खाना दिया जा रहा है, अभी पका रहे हैं जो तमाम संगठन लोग, वो अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो कभी दिक्कत खड़ी हो सकती है उस खाने में भी, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार सफिशिएंट राशन दे, तो हम धीरे धीरे जो खाना पका के दे रहे हैं वो ना देकर हम मटेरियल के रूप में दें, ताकि किसी को नुकसान ना हो और सब लोग सुरक्षित तरीके से इस स्थिति से बाहर आ जाए।